नमस्कार, जी बिजनेस में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क, मैं हूं मनोज दारा और आज हमारे स्पेशल इंटरेक्शन द म्यूचुअल फंडास में है मोतीलाल एएमसी की ऐसी टीम दैट हैंडल फंड्स रफली अराउंड 15,000 करोड़। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आशीष सोमैया सीईओ एंड मिस्टर गौतम सिन्हा रॉय इक्विटी फंड मैनेजर। नमस्कार और जी बिजनेस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हम म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं और यहाँ से लेकर एक ऐसा ट्रेंड हमने देखने मिला है दैट हैज टेकन मार्केट्स टू द नेक्स्ट लेवल। आपको क्या लगता है कि इंडियन मार्केट ऑप्टिमिज्म कितना है और यहाँ से लेकर ग्रोथ परस्पेक्टिव में इंडिया को एज अ फेवरेट डेस्टिनेशन आप कैसा एक्सप्लेन करेंगे? ये देखिए, क्या है कि बहुत सालों से इंडियन इक्विटी मार्केट को कहीं ना कहीं पे ब्रिक्स, ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट्स, एशियन मार्केट्स, किसी न किसी ब्लॉक के अंदर देखा गया है। बिल्कुल। और पिछले 5 साल से हम ये बोल रहे हैं कि इंडिया एक अलग इकोनॉमी है, इनवर्ड लुकिंग है, ग्लोबल कनेक्ट्स थोड़े कम है, कंजम्पशन ओरिएंटेड है, पॉपुलेशन है। इन सारे कारणों की वजह से हम ये बता रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी को अलग देखना चाहिए, किसी ब्लॉक में नहीं देखना चाहिए। सो खुशी की बात यह है कि आज जब हम ग्लोबल इन्वेस्टर्स वगैरह से मिलते हैं तो वाकई में वो लोग इंडिया को एक अलग डेस्टिनेशन के नज़रिए से देखना शुरू कर दिए हैं। सो ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। दूसरी डेवलपमेंट ये है कि इंडिया में, जैसे अंग्रेजी में एक बात बोलते हैं जिसको बोलते हैं हैबिट्स चेंज विद जनरेशंस। एग्जैक्टली। तो क्या है कि जैसे 15-17 साल पहले जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया तो गवर्नमेंट के प्रोडक्ट्स होते थे जो 11-12% रिस्क फ्री और टैक्स फ्री देते थे। बिल्कुल। तो वो कल्चर अलग था। आज के जो यंगस्टर्स हैं इनकी बात समझ में आती है कि रिस्क लिए बिना रिटर्न नहीं मिलेगा, तो लोकल इन्वेस्टर्स का भी फ्लो काफ़ी बढ़ता जा रहा है म्यूचुअल फंड्स में। तो ये दोनों ही बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट। बिल्कुल गौतम, जैसे आशीष ने बताया कि यहाँ पे रिस्क ये बिना कुछ भी अचीव नहीं किया जा सकता और इनफैक्ट आज की जनरेशन इज वेल अवेयर ऑफ दैट एज वेल। गोइंग फॉरवर्ड इंडियन इकोनॉमी कैसे एक्सप्लेन करेंगे बिफोर वी मूव ऑन टू योर टॉप परफॉर्मिंग फंड्स? देखिए, इंडिया का ग्रोथ रेट अभी भी देखा जाए तो 7.5-8% दिख रहा है। ओके। राइट, और उस पर इन्फ्लेशन जोड़ दे तो नॉमिनल ग्रोथ रेट 10% से ऊपर है, विच इज़ फैंटास्टिक राइट बाय एनी स्टैंडर्ड्स। तो अगर 10% पे इकॉनमी नॉमिनली ग्रो कर रही है तो अच्छे कॉर्पोरेट्स का अर्निंग उससे ज़्यादा ग्रो करेगा, शायद 15% पे ग्रो कर जाए। उसके बाद हमारा काम आ जाता है कि जी पूरा कॉर्पोरेट्स का यूनिवर्स है उसमें से वो 20-30 स्टॉक सिलेक्ट करना जिनका टुगेदर अर्निंग्स ग्रोथ 20-25% हो सके। तो फ्रॉम अ वेरी मैथमेटिकल परस्पेक्टिव अगर आप अगले पाँच साल का बात करें तो मेरे ख्याल से ऐसा पोर्टफोलियो बनाना जिसमें 20% अर्निंग्स ग्रोथ हम डिलीवर कर सकें काफ़ी पॉसिबल है। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग अबाउट इंडिया टुडे। द अदर थिंग इज़ लिक्विडिटी। अगर आप देखें ग्लोबली देर इज़ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ कैपिटल जो चर्न कर रहा है, जो यू नो स्पेशली डेवलप्ड कंट्रीज से जनरेट हो रहा है, बट उन वहाँ वो जाएगा कहाँ? दैट कैपिटल इज लुकिंग फॉर यील्ड। वो इंडिया में ही आएगा। हम आपके टॉप फंड्स की अगर हम बात करते हैं तो योर मोस्ट फोकस्ड 35 नाम का एक फंड है दैट हैज गिवन अ रिटर्न ऑफ 35% CAGR सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन। इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है आशीष? देखिए मनोज, इसके पीछे दो चीज़ें हैं। एक ये है कि इन्वेस्टमेंट फिलोसॉफी या प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं, जैसे हमारी कंपनी काफ़ी पैसा खर्च करती है इस चीज़ पे कि एक अवेयरनेस बनाया जाए। इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल है जिसको हम बोलते हैं बाय राइट सेट टाइट। तो हम लोग जितने भी फंड्स मैनेज करते हैं वो इस इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हमारी AMC में तरह तरह के फंड्स नहीं है, केवल 3 या 4 फंड्स हैं और ये सारे फंड्स के पीछे का ऑब्जेक्टिव यही है कि अच्छी हाई क्वालिटी, हाई ग्रोथ जिसको बोलते हैं, अच्छी क्वालिटी की कंपनियां लें और इसको होल्ड करें। और एक लास्ट जो खास बात है, आप शायद आपके दर्शकों को या लोगों को ज़्यादा पता नहीं होगा लेकिन हम जो म्यूचुअल फंड्स में स्पेसिफिकली 6,700 से 6,800 करोड़ मैनेज करते हैं, इसमें से लगभग 1,700 से 1,800 करोड़ हमारे ग्रुप्स और प्रमोटर्स की पूरी इन्वेस्टमेंट हमारे फंड्स में लगी हुई है। जैसे हमारे AMC का कैपिटल है, स्पॉन्सर्स हैं, प्रमोटर्स हैं। तो ये और भी अच्छा है कि प्रमोटर का जो वैल्यू है दैट इज आल्सो इन द कंपनी विच यू आर मैनेजिंग और एक बहुत ही अच्छा कॉन्फिडेंस दे सकता है इन्वेस्टर्स को एज वेल। बट अभी जैसे आशीष ने गौतम बताया आपका मोस्ट फोकस 35 फंड, एक और फंड है दैट इज डूइंग एक्सट्रीमली वेल दैट इज मोस्ट फोकस लॉन्ग टर्म फंड। ऑल्दो द फंड साइज इज 200 crores बट गोइंग फॉरवर्ड ग्रोथ परस्पेक्टिव्स बहुत ज़्यादा हैं। हाउ यू कैन एक्सप्लेन और इसके पीछे का सक्सेस स्टोरी क्या है एज वेल? बिकॉज यू हैव बीन गिविंग 90% CAGR सिंस द टाइम ऑफ इंसेप्शन। देखिए, फंड मैनेजमेंट में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि आपका जो टोटल यूनिवर्स है उसमें से आप 20-30 स्टॉक सेलेक्ट करते हैं, तो आपका रिजेक्शन भी सही होना चाहिए और आपका सिलेक्शन भी सही होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये दो कॉम्बिनेशन और हमारा जो फिलॉसफी है QGLP का,
वो हमें बहुत हेल्प करता है टू हैव अ ढांचा, एक फ्रेमवर्क जिससे हम स्टॉक्स रिजेक्ट भी कर सकें और सही स्टॉक सिलेक्ट भी कर सकें. वेल सर, और वो हो जाता है बाय राइट. सो हम जब बाय राइट से टाइप की बात करते हैं तो बाय राइट इज ऑल अबाउट रिजेक्टिंग द रॉन्ग स्टॉक्स एंड सिलेक्टिंग द राइट वंस. देन द अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज सिटिंग टाइट, बिकॉज देखिए इक्विटी ऐसा एसेट क्लास है जिसमें आपको ऑप्टिमल रिटर्न्स, अगर आप बोले कि ऑप्टिमल रिटर्न्स 15% है, 20% है, जो भी है, वो आपको अगर एक्चुअली लेना है तो यू रियली हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड फॉर द लॉन्ग टर्म. सी ऑन अ लाइटर नोट आई कैन टेल यू, जैसे हम एडवर्टाइज करते हैं बाय राइट सिट टाइट. ये क्यों एडवर्टाइज करते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस क्या है कि लोग जब शेयर्स खरीदते हैं ना, व्हेन पीपल बाय राइट दे टेंड टू बुक प्रॉफिट. एग्जैक्टली. एंड व्हेन दे बाय रॉन्ग देन दे बिकम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स. तो हम लोगों को हमेशा बोलते हैं कि बाय राइट सिट टाइट एक साथ करना चाहिए. अगर अच्छे शेयर्स लिए तो पकड़ के रखिए, अगर गलती हुई है तो उसको रीइवैल्यूएट करिए. फैंटास्टिक. मूविंग ऑन, हमने आपके टॉप फंड्स की हम बात की और म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री की. मूविंग ऑन, इंडियन मार्केट्स और ग्लोबल मार्केट्स आर लार्जर एक कंसर्न बना हुआ है. ग्लोबल मार्केट्स एक बड़ा थ्रेट भी है. मूविंग ऑन, आप इंडिया एज अ डेस्टिनेशन कैसा देखते हैं, और इनफैक्ट इफ यू कैन आइडेंटिफाई एनी लार्जर थ्रेट्स फ्रॉम ग्लोबल मार्केट्स टू बिगिन विद. थ्रेट की बात करें तो देखिए, इंडिया एज आशीष वाज एक्सप्लेनिंग, इंडिया इज टुडे वेरी वेरी वेल मोटेड इकॉनमी. ठीक है, इंडिया के ड्राइवर्स, इकॉनमिक ड्राइवर्स सब इंटरनल है लार्जली, अदर देन द आईटी सर्विसेज इंडस्ट्री, लार्जली इंटरनल ड्राइवर्स हैं. तो अगर थ्रेट की बात करें, मेरे ख्याल से लिक्विडिटी इज द ओनली थ्रेट, क्योंकि ग्लोबली लिक्विडिटी काफ़ी आया है ओवर द लास्ट 6 years. वी हैव सीन अ इनॉर्मस अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी विच हैज़ एंटर्ड इंडिया, इट हैज़ एंटर्ड अदर एसेट क्लासेस टू. वो लिक्विडिटी अगर कहीं ना कहीं कम होता है या वापस जाता है तो एक बड़ा कंसर्न बन सकता है, बट वो कंसर्न एक शॉर्ट टर्म कंसर्न होगा. और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को एक्चुअली उस इवेंट के वेट में रहना चाहिए. अगर ऐसा कुछ होता है तो दैट विल बी एन एब्सोल्युटली फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी टू बाय इंडियन इक्विटी. देयर इज द प्रोसेस और स्टॉक सिलेक्शन, स्टॉक्स को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस है जो आप अडॉप्ट करते हैं, बिकॉज ह्यूज फंड्स यू मैनेज, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट. श्योर. देखिए, हमारा प्रोसेस बेसिकली ये समरी ऐसे कर सकते हैं, क्वालिटी, ग्रोथ, लॉन्जिविटी एंड प्राइस. सो क्यू इज क्वालिटी, उसमें हम हाई क्वालिटी मैनेजमेंट इन हाई क्वालिटी बिजनेसेस ढूंढते हैं. ग्रोथ इज ऑब्वियसली, यू नो, अर्निंग्स ग्रोथ शुड बी वेरी स्ट्रॉन्ग अगले 5-10 साल का. सो वी आर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो हमारा अगले 10 साल का परस्पेक्टिव हमेशा बहुत अच्छा बैठना चाहिए एक कंपनी के बारे में, तभी हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं. वो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें सुपर नॉर्मल प्रॉफिटेबिलिटी हो सके, राइट. टिपिकली अगर इंडिया में आप देखें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 7-8% है, तो 15% प्लस प्रॉफिटेबिलिटी आरओसी बिजनेस में बनना चाहिए. ग्रोथ 20-25% होना चाहिए. लॉन्जिविटी रहना चाहिए अगले 5-10 साल तक, ग्रोथ का, क्वालिटी का, लॉन्जिविटी हमें दिखना चाहिए. और ये सब फैक्टर्स जब मौजूद होते हैं एक बिजनेस के अंदर, उसके बाद हम वैल्यूएशन प्राइस की बात करते हैं. तो वील वांट टू बाय दीज काइंड ऑफ ग्रेट इकोनॉमिकली मोटेड बिजनेसेस एट अ फेयर और अ रीजनेबल वैल्यू. वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद लौटेंगे, हम बात करेंगे मार्केट्स की, इकोनॉमी की एंड गोइंग फॉरवर्ड गवर्नमेंट इनिशिएटिव की. देखते रहिए जी बिजनेस, आपका फायदा. नमस्कार, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. आप देख रहे हैं स्पेशल इंटरेक्शन विद मोतीलाल एएमसी. लिक्विडिटी तो बहुत है मार्केट में, लेकिन कंसर्न भी है ग्लोबल रिलेटेड. इज देयर एनी क्राइसिस यू वुड लाइक टू हाईलाइट दैट कैन डिरेल द बिग एक्सपेक्टेशन? आशीष, लिक्विडिटी और एफआईआईज की जब सेलिंग आती है, उस पर मेरा एक ऑब्जर्वेशन हमेशा से रहा है. उसके मैं आपको 3 एग्जाम्पल भी क्विकली दे सकता हूँ. जैसे कि एक है September 2008, फिर May 2013, और अभी January-February 2016. ये 3 बार ऐसा हुआ है कि यूरोप, चाइना, यूएस किसी ना किसी डेवलपमेंट को लेकर के एफआईआईज ने हमारे मार्केट में सेलिंग कर दी. बिल्कुल. अब ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि सेल करने का ट्रिगर जो है वो कहीं ऑफशोर कहीं पे है. जो सेल का ट्रिगर था वो यहाँ को लेकर के एक्चुअली नहीं था. जब भी इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो जितना निकाला था उससे ज़्यादा ये वापस ले आते हैं. अब उनकी सेलिंग देख के अगर हम रिएक्ट करते हैं तो ये तो क्या है कि इनका जब मूड चेंज हो जाएगा ये तो वापस आ जाएंगे, हम साइड पे रह जाएंगे. तो एफआईएस जब सेल करते हैं उसको रिएक्ट करके हमको सेल नहीं करना चाहिए. जब एफआईएस सेल करते हैं तब हमको एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये नहीं है कि एफआईएस खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं. हमारे कंट्री में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडियन लोगों के पास इंडियन इक्विटी नहीं है. 55% प्रमोटर है, 25% एफआईएस है, हमारे पास एक्चुअली कुछ है नहीं. एंड दैट होल्डिंग इज इवन फॉरेन होल्डिंग, और यहाँ से लेकर एक मेक इन इंडिया या लार्जर एक बड़ा कंसर्न भी रहता है गोइंग फॉरवर्ड. मेक इन इंडिया है, इंडिया की ग्रोथ है जिसपे हमको सबको बहुत प्राइड है.
लेकिन उसमें पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है. द फैक्ट इज यहाँ पे लेकर इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है, जैसे गौतम आशीष बता भी रहे थे. यहाँ से लेकर अर्निंग सीजन की शुरुआत हो गई है और यहाँ से लेकर Q1 अर्निंग्स इनफैक्ट हैज बीन रिपोर्टेड और यहाँ पे लार्जली एक ऑप्टिमिज्म सा दिख रहा है अर्निंग्स पर्सपेक्टिव में. गोइंग फॉरवर्ड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 2 से 3 साल का ऑब्जेक्टिव की तरफ से देखता है. आपको क्या लगता है कि अर्निंग्स इंप्रूवमेंट कैसे ट्रैजेक्टरी पे राइट है? यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज वेल. देखिए, अर्निंग्स हमेशा रहता है, दिस इज अ वेरी लार्ज इकॉनमी. अगर हम एक इंडेक्स का अर्निंग्स देखें तो शायद वो एक लेवल पे गलत भी हो जाता है, क्योंकि इंडेक्स इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पास्ट एंड इट्स अ आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्ट. तो इंडेक्स आपको ये बतलाता है कि लास्ट 5 साल में ये कंपनी मोटा मोटी अच्छा की है, इसलिए इनका अब उनका अर्निंग्स क्यों देखें? हमें तो फॉरवर्ड देखना, हम उन कंपनीज का अर्निंग्स देखेंगे अगले 5 साल तक. कौन से सेक्टर्स विल डू वेल? हमें लगता है कि ये जो कंजम्पशन ड्रिवन इकॉनमी है इंडिया का, दिस इज द बिगेस्ट स्टोरी, लार्जली ड्रिवन बाय डेमोग्राफिक्स, इनकम इंक्रीजेस अक्रॉस द बोर्ड. सो दिस इज अ पेरिनियल स्टोरी. पेरिनियल मतलब अगले 10-20 साल तक तो चलता हुआ दिखता है. आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स बहुत ही रोबस्ट है इंडिया के लिए, वो भी अच्छा रहेगा. फार्मा एक्सपोर्ट भी बहुत अच्छा रहेगा. बाकी कुछ कुछ छोटे सेक्टर्स हैं, जैसे ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं जहाँ पे अर्निंग्स अच्छी रहेगी, गैस रिलेटेड स्टोरीज में अर्निंग्स अच्छी रहेगी, एग्रीकल्चर रिलेटेड थिंग्स में अर्निंग्स अच्छी रहेगी. इन्वेस्टमेंट साइड ऑफ द इकॉनमी में पिकअप शायद थोड़ा सा अभी भी डिले हो सकता है, बट उसमें भी आई थिंक द वर्स्ट इज ओवर. सो वन शुड लुक फॉर साइंस ऑफ रिकवरी. गौतम, जैसे आपने बताया यहाँ पे कि द सेक्टर्स विल डू वेल, आपको I'm talking about the pharma industry और यहाँ पे एक larger concern बना हुआ है from the US. Are you comfortable with all those companies having larger exposure to US from here on? Oh yes. जैसे oh आपने yes. IT पे तो बताया, जैसे IT industry एक concern तो बना हुआ ही है. ये देखिए, ये सब शॉर्ट टर्म कंसर्न्स हैं. एक चीज, एक मुद्दा ये भी है कि ग्लोबली ट्रेड बैरियर्स थोड़े बढ़ गए हैं, बट फार्मा इंडस्ट्री में मेजर थिंग इज कि यू नो कंप्लायंस इश्यूज बढ़ गए हैं. उसका रीज़न भी है, वो लाजमी भी है, क्योंकि कंप्लायंस के प्रॉब्लम्स हुए थे इंडियन कंपनीज के अंदर. तो हमें लगता है कि इसलिए हमारा जो फिलोसफी है कि क्वालिटी कंपनीज में इन्वेस्ट करना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो क्वालिटी फार्मा कंपनीज हैं वो कंप्लायंट भी होंगी, और अगर वो कंप्लायंट होंगी तो इन अ लार्जर पूल, इन अ लार्जर पाई, दे विल टेक लार्जर मार्केट शेयर. That is very important. I think the good pharma companies are set for explosive growth in the US generics business, and that is something that we are very bullish on. जैसे गौतम ने आशीष बताया कि यहाँ पे लेकर हम अर्निंग्स पे बात कर रहे हैं, एंड Q1 बहुत इंपॉर्टेंट और एस्पेक्ट हमने देखने मिला था Q1 अर्निंग्स में, कि डिस्पाइट इनफैक्ट 5 कंपनी छोड़ के वी हैव सीन 9.5% राइज इन अर्निंग्स, और यहाँ पे लेके एक ऐसा ट्रेंड जो हमने बहुत क्वार्टर्स के बाद में देखा हुआ है, एंड कंसिस्टेंटली इफ इट विल परफॉर्म इकोनॉमी के लिए कितना बढ़िया साइन है, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट एज़ वेल. देखिए, इकोनॉमी में अगर आप देखें, जैसे जो सेक्टर्स की हम बात कर रहे हैं, वी आर एक्टिव फंड मैनेजर्स, तो हमारा काम यही है कि कौन से सेक्टर्स, कौन से स्टॉक्स जहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ है या मूवमेंट है, उसको आइडेंटिफाई करके अपना पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट किया जाए. अभी अगर आप देखते हैं, कई बार क्या है कि स्टेटमेंट्स बहुत जनरलाइज्ड स्टेटमेंट्स होते हैं. जैसे अगर आप बोलते हैं इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ, बिल्कुल, अब इंडेक्स की अर्निंग्स ग्रोथ की बात करेंगे तो RBI का एसेट क्वालिटी रिव्यू हुआ तो इंडेक्स में PSU बैंक्स है, तेल और कमोडिटी के दाम पिट गए तो उसमें वो भी तो इंडेक्स में है. तो इंडेक्स लेवल पर आपको ग्रोथ भले जीरो दिखता हो, बट उसके अंदर भी ऐसे कंपोनेंट्स और कंपनीज हैं जिसमें 15-20-25-30% ग्रोथ भी आ रही है. मोतीलाल, AMC का बैंकिंग सेक्टर पर क्या व्यू है? जैसे आपने अभी बैंकिंग सेक्टर के बारे में जस्ट टच्ड अपॉन, बैंकिंग सेक्टर से क्या एक्सपेक्टेशंस है, एंड गोइंग फॉरवर्ड AQR का जो से यू हैव ऑलरेडी हाइलाइटेड दैट, कब तक कंटिन्यूएशन आप देख रहे हैं, इफ यू कैन जस्ट हाइलाइट दैट एज वेल. देखिए, बैंकिंग सेक्टर का इंडिया में अकॉर्डिंग टू अस अभी तक स्टोरी शुरुआत भी नहीं हुई है. क्यों मैं आपको बता रहा हूँ? क्योंकि हमको क्या लगता है कि बैंकें बहुत बड़ी हो गई है, अब क्या पैसा बनेगा, सारे लार्ज कैप है. करेक्ट, निवेश करना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को? बिल्कुल करना चाहिए. जिस देश में प्रधानमंत्री का काम ही ये है कि लोगों को बोले अकाउंट खोलो और इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदो, फैंटास्टिक. मुझे ऐसा कोई कंट्री नहीं पता है. आई थिंक इज आल्सो पिकिंग अप, और यहां पे लेकर आई डोंट थिंक देयर इज एनी कंट्री इन द वर्ल्ड वेयर द प्राइम मिनिस्टर कम्स एंड सेज प्लीज ओपन बैंक अकाउंट्स, एंड व्हेन ही सेज 15 करोड़ पीपल ओपन अकाउंट्स एंड दे पुट 30,000 करोड़ इन डिपॉजिट. तो हमारे यहाँ पे तो अभी पेनिट्रेशन जीरो है, स्टार्ट ही नहीं हुआ है कुछ एक्चुअली. इनफैक्ट यहाँ से लेकर गौतम, हम बात कर रहे हैं मार्केट्स की एंड अर्निंग्स का, जैसा बहुत अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया, कौन कौन से सेक्टर्स से दूर रहना चाहिए रिटेल इन्वेस्टर्स को, इफ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट. आज की डेट में ऐसा कोई भी सेक्टर मुझे नहीं लगता कि बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग है, फ्रेंकली बता रहा हूँ, क्योंकि इकॉनमी में जो वर्स्ट था वो ओवर है. बट शायद जो ग्लोबल साइक्लिकल्स हैं, कमोडिटी ओरिएंटेड मेटल कंपनीज हैं, उसमें जो लेवरेज ज़्यादा हैं, जिनके बैलेंस शीट में रिस्क है, उनसे डेफिनेटली थोड़ा दूर रहना. मेटल स्टॉक्स में काफ़ी एक अच्छा रैली भी देखने मिला है लास्ट 2-3 महीने में, और
सो अगर आपने उसमें पार्टिसिपेट किया है तो इट कुड बी गुड आइडिया टू बुक प्रॉफिट. श्योर, फैंटास्टिक. एंड बहुत अच्छा आपने एक व्यू दिया था. रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माइंड में रहता है कि हाउ डू यू आइडेंटिफाई मल्टी बैगर्स. एंड एक ऐसा सेक्टर है जो इट्स ओपनिंग अप. आई एम टॉकिंग अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर विद ICICI प्रू लाइफ का एक बहुत बड़ा IPO आने के बाद में. आपको क्या लगता है कि पोटेंशियल मल्टी बैगर्स कैन कम फ्रॉम दिस सेगमेंट एज वेल और यू हैव अ डिफरेंट आइडिया अबाउट? नहीं, डेफिनेटली दे कैन कम फ्रॉम दिस सेक्टर और दिस सेगमेंट, क्योंकि अभी तक ये इंडिया में यही सारी चीज़ें एक्साइटिंग है. जैसे कि इंडिया में 130 करोड़ की आबादी में खाली मेरे ख्याल में कुछ 24-25 इंश्योरेंस कंपनी है. अमेरिका में 32 करोड़ की आबादी में 824 इंश्योरेंस कंपनी है. तो हमारा इतना एक्साइटिंग टाइम अभी चल रहा है कि पूरा का पूरा एक नया सेक्टर मार्केट में जुड़ रहा है. बिल्कुल. इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इन टर्म्स ऑफ GDP एंड ऑल इज बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, बट वो मार्केट कैप में कहीं दिखता नहीं है. तो यहाँ से ये एक नया सेक्टर जुड़ रहा है जिसकी पेनिट्रेशन बिल्कुल नई के बराबर है. तो आगे जाके इस सेक्टर में भी आपको दिखेंगे लार्ज, मतलब अच्छी खासी कंपनियां आपको लीडिंग दिखेंगी इसमें. श्योर. इनफैक्ट जैसे हम पोटेंशियल मल्टी बैगर्स की हम बात कर रहे हैं और यहाँ से लेकर इंश्योरेंस सेक्टर कैन बी अ बिग अपॉर्चुनिटी फ्रॉम हियर ऑन. इज देयर एनी अदर सेक्टर्स यू वांटेड टू हाईलाइट बिफोर वी एंड दिस कॉन्वर्सेशन? ये सेक्टर्स तो बहुत हैं. कोई भी कंजम्पशन डोमेस्टिक सेविंग्स ओरिएंटेड सेक्टर की अगर बात कर ली, वहाँ पे मल्टी बैगर्स जरूर ट्रेड होंगे. तो इंडिया ऐसा कंट्री है जहाँ पे यू नो मैंगो जूस से लेके इंश्योरेंस से लेके कॉर्पोरेट बैंकिंग हर सेक्टर में मल्टी बैगर्स क्रिएट होने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. सो इट्स जस्ट दैट यू हैव टू गेट इनटू द राइट अपॉर्चुनिटी एट द राइट टाइम. अच्छे सेक्टर और अच्छे स्टॉक खरीद के पकड़ के रखना जरूरी है. लोग करते क्या है कि 10 का 20 रुपया हुआ तो फिर बेच के निकल जाते हैं, बट वो 10 रुपये का 20, 20 का 40, 40 का 400 अगर आप 5-10 साल अगर स्टॉक पकड़ के रखते हैं तब उसमें मल्टी बैगर बनते हैं. आमतौर पे लोग गलती कहाँ करते हैं कि 2-3-6 महीने में. करेक्ट. लोगों को 6 महीने में मल्टी बैगर चाहिए, विच इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच, यू नो दैट. बिल्कुल. एक लार्जर कंसर्न फ्रॉम द मार्केट पार्टिसिपेंट्स ये भी है कि इंडिया स्टॉक्स आर ओवर वैल्यूड. अगर हम इंडियन स्टॉक्स की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली क्रेडिट स्विस एज रिसेंटली इन अ रिपोर्ट सेड दैट इंडिया इज इन द एक्सपेंसिव 4 क्लब. The other 3 are Philippines, Indo and Malaysia. And Nifty is trading over 18 times for 1 year forward earnings. तो ये सिचुएशन को आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए सरल भाषा में कैसा एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, उनका बिजनेस उनको डिक्टेट करता है कि दे डू दिस काइंड ऑफ रिलेटिव कंपैरिजंस. बट हमारा काम है एब्सोल्यूट बेसिस पे वैल्यू ढूंढना, राइट, इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशंस. वैल्यूएशंस जैसा मैंने कहा कि सेंसेक्स का अर्निंग्स भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, उसी तरह सेंसेक्स का वैल्यूएशन भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता. हमारा काम है इरेस्पेक्टिव ऑफ वैल्यूएशन वैल्यू ढूंढना, जो हम करते हैं. बट या आई एग्री दैट यू नो आई एम ग्रीडी एज अ फंड मैनेजर, सो आई वुड बी हैप्पियर इफ द वैल्यूएशंस आर लेसर, बट दैट डजंट मीन आई कैन कंट्रोल इट. Right? I am given a certain set of valuations. Within that boundary, I have to find value. और एक limited point है कि जहाँ पे growth होगा वहीं पे PE होगा. अगर PE जहाँ मतलब global growth 1% है, corporate growth 5%, 7%, 0 उस range में है, हमारा GDP growth 7% है और कंपनियों का, कई कंपनियों का earning growth 15-20-25-30% है. जहाँ पे growth है वहीं पे PE होता है ना. Perfect. आपने थोड़ी देर पहले government initiatives की बात कही और जनधन को लेकर एक लार्जर गवर्नमेंट इनिशिएटिव पे आपने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया. गवर्नमेंट रिलेटेड इनिशिएटिव्स टॉप 2 आप कैसा रेट करते हैं और यहाँ से लेकर इकोनॉमी पर्सपेक्टिव में कैसा कनेक्ट होता है? दो चीज़ें अकॉर्डिंग टू मी, टेलीकॉम एंड सेकेंडली बैंकिंग. टेलीकॉम में आप कॉम्पिटिटिवनेस देख रहे हैं, कनेक्टिविटी में मेजर ग्रोथ देख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि वो एक बहुत पॉजिटिव साइन है. कम्युनिकेशंस एंड उस कम्युनिकेशंस और बैंडविड्थ और नेटवर्क के ऊपर ही बैंकिंग सर्विसेज और काफ़ी चीज़ों में बड़ा रेवोल्यूशन दिखेगा. Alright. तो क्या है कि कोई भी एक चीज़ को आइसोलेशन में नहीं देख सकते हैं, बट ये 2-3 चीज़ें जो एक साथ हो रही है. Bilkul. जिसका इंटरफेस है टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मुझे लग रहा है दैट इज़ द बिगेस्ट movement. Fantastic. Your closing comments on that, Gautam? I think, see, India as an economy is obviously, the role of the government has been very big traditionally. It's coming down. And it's also important to remember that abhi jo government hai, it's probably more capitalist, more business friendly than ever. So India has moved from that socialist mindset to capitalist mindset. So India ke baare mein koi bhi agar investment aap theory bana rahe hain aaj ki date mein, उसको आप इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, तो ये चीज़ नज़र में रखना बहुत ही ज़रूरी है. एंड इट कट्स अक्रॉस सेक्टर्स, इट कट्स अक्रॉस. आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मेनी सेक्टर्स इन इंडिया विल कम डाउन ड्रास्टिकली, स्पेशली वेयर द गवर्नमेंट हैज़ बीन इनएफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग वैल्यू. बिल्कुल. और यहाँ से लेकर जो कॉन्वर्सेशन का जो एंड है, दैट इज़ मार्केट इज़ ऑप्टिमिस्टिक,
there are sectors that can be a potential multi-baggers, and there are certain areas wherein growth can be multifold. Thank you so much, Aashish, हमसे बात करने के लिए और जी बिजनेस को आपका समय देने के लिए. गौतम सिन्हा, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग टाइम फॉर जी बिजनेस और म्यूचुअल फंडास में पार्टिसिपेट करने के लिए. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार.